हाय गाइस, सब्सक्राइब करें JSR ऑफिशियल चैनल को और दबाए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और उसे कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। यदि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है तो भी इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कैसे चैनल को कस्टमाइज करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ होम पेज पे देख रहे हैं, जैसा कि होम पेज में देखने को मिल रहा है, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट, और उसके नीचे पे यहाँ देखिए अपना सोशल मीडिया का लिंक देखने को मिलता है। तो ये सब कैसे ऐड करना है, कस्टमाइज करना है और अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है और कैसे कस्टम थंबनेल ऐड करना है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, मोबाइल से यूट्यूब चैनल बनाने का सबसे आसान तरीका है, कॉर्नर पे जाके आप सबसे पहले अपने जीमेल से साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आप यहाँ माय चैनल में जाइए। माय चैनल में जाके अपना चैनल का कोई यूनिक सा नाम दीजिए, उसका क्रिएट चैनल पे जाके क्लिक कीजिए। क्रिएट चैनल में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। वहाँ पे यहाँ पे सेटिंग वाले बटन पे जाना है, उसके बाद आपको सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे इधर साइड पे जो पेंसिल वाला बटन है वहाँ से आप चैनल का नेम एडिट कर सकते हैं। देखिए, मैंने वो चैनल का नाम एडिट करके दूसरा डाल दिया, और उसका नीचे ठीक नीचे वाले पेंसिल पे वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल में किस तरह के वीडियो डालना चाहते हैं या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो डाल देना है। कोई भी अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर टाइप कर देना है। जब पूरी तरह डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ हो जाए उसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये सब पूरी तरह डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप हम लोग को ऊपर जे लिखा हुआ वहाँ पे चैनल का लोगो और उसके जस्ट पीछे चैनल बैनर जो कि चैनल आर्ट होता है उसको हम लोग को लगाना है, जिसके लिए हम लोग को अब क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली मैं तो क्रोम ब्राउज़र का यूज करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र पे सर्च पे लिखना है youtube.com। वहाँ पे सर्च करने के बाद आपका चैनल खुलेगा, उसके बाद कॉर्नर पे थ्री डॉट है वहाँ पे जाके उसको डेस्कटॉप मोड क्रोम ब्राउज़र को कर देना है। डेस्कटॉप मोड करने के बाद आप अपने चैनल के कॉर्नर पे जाइएगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको योर चैनल पे क्लिक करना है। यदि आपको एक बार और डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मांगता है तो थ्री डॉट पे जाके फिर से डेस्कटॉप मोड जाके क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपका यूट्यूब का इंटरफेस खुलेगा आपका चैनल का। उसके बाद कॉर्नर पे जाइएगा और अपना जीमेल लॉगिन करना, स्विच अकाउंट पे जाके अपना जीमेल ऐड करना है। स्विच अकाउंट पे जाने के बाद ऐड अकाउंट का ऑप्शन देगा, वहाँ से जाके आपको जीमेल ऐड करना है। ईमेल और फोन है, वहाँ पे अपना जीमेल आईडी डालना है। यदि ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, वहाँ से नेक्स्ट करना, फिर आपका ईमेल का पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको कॉर्नर पे जाना है। कॉर्नर पे जहाँ पे देखिए जे टाइप का लोगो दिखा वहाँ पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद योर चैनल पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद हम लोग कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है।
कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ से हम लोग का चैनल चैनल आर्ट ऐड करना है। यहाँ पे जे वाला कॉर्नर पे जाएंगे, वहाँ पे पेंसिल का बटन को दबाएंगे, उसका गैलरी से फोटो सेलेक्ट करेंगे। इस तरह हमारा गूगल गूगल अबाउट में खुलेगा, वहाँ से अपलोड फोटो पर जाके क्लिक करना है, उसका फाइल पे जाके फोटो सेलेक्ट करना है और अपना यूट्यूब का चैनल का लोगो ऐड करना है। हमारा फोटो अभी अपलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए कुछ ही चरणों में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेसिंग। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद डन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग को बैक पे जाना, देखिए हम लोग फोटो अपलोड हो गया, अब हम लोग को फिर से बैक करना है। बैक में जाके अब हम लोग को चैनल आर्ट यानी पीछे का बैकग्राउंड ऐड करना है, ऐड करना है, उसे भी इसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अच्छा से करना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। सिस्टम ले मोबाइल और एक ऑप्शन देता है, आगे अभी दिखाई देगा क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। वहाँ पे तीनों को जाके अच्छी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग होने में, उसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए तीनों ऑप्शन, मोबाइल लैपटॉप और एक डेस्कटॉप का ऑप्शन दे रहा है, तीनों पे किस तरह एडजस्ट करना है। हम लोग मोबाइल पे करें, मोबाइल पे कर लेते हैं एडजस्ट। इधर साइड से साइड में इधर एक और ऑप्शन है नीचे पे ब्लू वाले, वहाँ से दे के एडजस्ट करना। यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है एडजस्ट करने पे, देखिए किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं। ब्लू वाले कलर पास देखिए, वहाँ पे अपना जो कि चैनल बैनर है पीछे लगेगा, अभी दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, लगने के बाद देखिए लग गया है। अब इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। इस तरह से हमारा चैनल का कस्टमाइज कंप्लीट हुआ और देखिए हमारा चैनल का लोगो और चैनल का बैनर आर्ट दोनों लग गया है, जो कि हमारा चैनल खूबसूरती बढ़ा रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग चैनल को वेरीफाई करेंगे, इसके लिए बैक जाते हैं फिर से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कि हम लोग यहाँ अभी यूट्यूब स्टूडियो बीटा में काम कर रहे हैं, हम लोग को क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, तो कॉर्नर कॉर्नर पे क्लिक करना फिर से, उसके बाद जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। वहाँ क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, क्लिक करने से इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद थोड़ा नेट स्लो है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इस तरह खुलने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे एक रनिंग टाइप का लोगो है, दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ नीचे पे है, उसको क्लिक कीजिएगा लेफ्ट साइड वाला को, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा बॉक्स का, सब बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सेकेंड वाला नीचे देखिए ब्लू टिक है, उसके नीचे क्लिक करना है, उसके बाद हम लोग क्रिएटर स्टूडियो में आ जाएंगे। देखिए क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो ऊपर में हम लोग को वेरीफाई बटन दिखेगा। देखिए अगर वेरीफाई नहीं होगा तो हमारे जो कस्टम थंबनेल जो दिख रहा है रेड वाला वो इनेबल नहीं हुआ है, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे हम लोग को कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई क्लिक जाके नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर, वहाँ मोबाइल नंबर देना है, उस पर एक OTP जाएगा, फिर कंट्री चूज़ करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर नीचे देगा, मोबाइल नंबर से आपको OTP जाएगा जिससे सबमिट करना है।
मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद ओटीपी यहाँ पे आएगा, ओटीपी को देखें, वेरीफाई करना है। जो ओटीपी जिस नंबर डालिएगा वही इसी नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको देखें, वेरीफाई करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसका देखिए अभी दिखाते हैं, हमारा कस्टम थंबनेल इनेबल हो जाएगा। सबमिट करने के बाद देखिए वेरीफाई हो गया। अब आते हैं जूम करके, देखिए हमारा कस्टम थंबनेल तभी रेड था, अभी देखिए इनेबल हो गया ग्रीन कलर का। इस तरह से हमारा चैनल वेरीफाई हो गया। अब हम कस्टम थंबनेल कोई भी वीडियो पे लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। देखिए इस तरह से हमारा, देखिए ऊपर में दिखाते हैं आपको अभी कैसे हम लोग का चैनल आर्ट कंप्लीट हो गया बन के। देखिए इस तरह दोनों पे, यहाँ देखिए एल्बम और यहाँ दोनों पे लग गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।